नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पेपरलेस स्टडी के न्यू वीडियो में जैसा एक दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि 11 अगस्त के दिन जो है बी एड डी एड मामले की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उस पर जो फैसला आया था और उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में जो है बी एड को बाहर बाहर कर दिया था तो इसी के लिए जो है अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग याचिकाएँ भी दायर हो रही थी कि हमारे यहाँ उस पर बी कब से बाहर होगा कब से नहीं तो इस पर जो है कल जो है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डी एड ही मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आने के बाद जो आई एन सी टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अब प्राथमिक शिक्षक में जो है डी एल एड को ही मान्य किया जाएगा बी एड को मान्य नहीं किया जाएगा तो ये पटना की जो है न्यूज है तो न्यूज में अभी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बी एड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत ग्यारह अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई है इसलिए इसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कर रहे हैं यानी कि बिहार उसमें जो है शामिल नहीं था तो इसलिए उसने अधिसूचना पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डी को ही मान्यता देने और बी एड अभ्यर्थियों को इसको बाहर रखने का आदेश दिया था बी ने शिक्षा विभाग को पत्र भी लिख दिया है इसी मामले पर कि बी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग को इस पर राय मांगी है इसके लिए आयोग ने सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ प्राथमिक शिक्षा अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दायर की गई थी राजस्थान मामले के मामले में कोर्ट द्वारा गया को दिए गए आदेश के बी पी के बीते चौबीस और पच्चीस अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डी के साथ बी एड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी थी वहीं हम बता दें कि साढ़े तीन तीन दशमलव आठ लाख डीएलएड और तीन दशमलव नाइन जीरो लाख बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी इसके लिए तीन लाख अस्सी हजार डीएलएड अभ्यर्थियों और तीन लाख नब्बे हजार बी एड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था जिसमें लगभग सत्तर फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए सूत्रों की माने तो डी एल एड अभ्यर्थियों की संख्या प्रवेश के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हैं दोस्तों इस इसमें हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कर दिया है बिहार सरकार से कि आप अपने अपने स्तर पर जो है इस नियुक्ति को देखें ताकि जो है ग्यारह अगस्त के आए हुए फैसले की अवमानना भी ना हो और जो है बीएड को इसमें पूरी तरह से बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी बच्चों के लिए न्यूज़ आज की जो न्यूज़ है उनको मिल सके धन्यवाद दोस्तों